हेलो दोस्तों, और सभी का चैनल पे स्वागत है। और आप सबके लिए लेके आया और एक बजट बाइनाकुलर। तो ये जो बाइनाकुलर आपको कहाँ पे मिलने वाला है, इसका प्राइसिंग क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसे है, इसमें कौन सा प्रिज्म है, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। तो बॉक्स खोलने से पहले, एक्चुअली खुल चुका है, लेकिन ये यहाँ पे वीडियो पे खुलने से पहले ना, यहाँ पे जो कंपनी का नाम है केसन मेंशन किया है, केसन के टेलीस्कोप देखे, लेकिन वो के से शुरू होता है, लेकिन ये सी से शुरू हो रहा है केसन। तो ये बाइनाकुलर ऑर्डर किया गया है अमेजोन से। तो यहाँ पे इन्होंने कोटिंग बाइनाकुलर 12x42 रूफ प्रिज्म में लिखा हुआ है। तो दिस इज रूफ प्रिज्म। यहाँ पे राइट में, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बॉक्स के साइड में दिया हुआ है। तो रूफ बाइनाकुलर है, BA4 ग्लास में आ रहा है, 12x मैग्निफिकेशन, फोकसिंग सिस्टम इज सेंटर प्लस राइट आई अडाप्टर भी मेंशन है, फुल्ली मल्टी कोटेड जो है इन्होंने मेंशन किया है, FOV वगैरह। इसके साथ आपको क्लीनिंग क्लोथ, एक नेक स्ट्रैप मिल रहा है, कैरिंग बैग मिल रहा है, ट्राईपॉड अडाप्टर है, फोन अडाप्टर है, एल शेप ब्रैकेट भी है। तो ये सभी चीज़ें इस बॉक्स में आपको मिलने वाली है। इसकी प्राइसिंग वीडियो के एंड में पता चलेगी कितना है। इसको आप यूज़ कर सकते हो बोटिंग या स्पोर्ट्स, बर्ड वॉचिंग, ऑटो रेसिंग, वॉट एवर वॉट, ब्रिज ट्रैवल और एस्ट्रोनॉमी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़ किया है, यूज़ करके ही इसका मैं रिव्यू वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। इसके प्रोज और कॉन्स भी आपको बताने वाला हूं। तो चलो पहले बॉक्स को ओपन करता हूं। तो करते हैं इसका बॉक्स जो है उसको ओपन कर लेते हैं। केसन ब्रांड लिखा हुआ है, केसन बाइनोकुलर BA4 ग्रीन जो टिंट इन्होंने बोला है, मल्टी कोटिंग जो है, फुल्ली मल्टी कोटेड। तो इसमें एक तो पहले मिलता है हमको बैग, ये कैरिंग बैग है, इसके साथ कैरिंग स्ट्रैप अटैच है साथ में। इसको बाद में खोलते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में। और बॉक्स में और एक बॉक्स मिला हमको, इसके अलावा कुछ जो है लव लेटर्स मिले हैं, ये इंस्ट्रक्शन आज तक हमने कभी पढ़े नहीं है। और एक क्लीनिंग क्लोथ है, तो इसको फिर से मैं बैग में डाल देता हूँ। बैग में नहीं, बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स को थोड़ा साइड कर लेते हैं। इसके साथ जो बॉक्स आया उसमें क्या क्या मिला है हमको, तो उसको लोग ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ एक ट्राईपॉड भी है। मुझे पता नहीं था इसके साथ ट्राईपॉड है, लेकिन एवरेज क्वालिटी का ट्राईपॉड हमको मिल रहा है। एक मोबाइल वगैरह आप माउंट कर सकते हो उसके ऊपर। देन दिस इज फॉर मोबाइल अडाप्टर, ये मोबाइल अडाप्टर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके साथ मोबाइल अडाप्टर जो आया है। तो आपको अगर बाइनाकुलर से मोबाइल को अटैच करके लगा के कुछ शूट करना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और ये जो एल शेप ब्रैकेट है, इसका उपयोग करके हम जो है हमारा बाइनाकुलर जो है ट्राईपॉड पे लगा के, किसी बड़े ट्राईपॉड पे लगा के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो बजट जो है, बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। सबसे फाइनल चीज़ मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। एक्चुअली मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ बाइनाकुलर को, तो दिस इज़ द केसन्स बाइनाकुलर। और इसके साथ स्ट्रैप अलग से आया है, तो मैंने ऑलरेडी इसमें लगा दिया है, बट दिस इज़ द बाइनाकुलर, आप देख लो। इसके साथ आपको ये कैप जो है अलग से लगी हुई आती है, और फ्रंट में जो कैप्स है, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज बहुत तगड़ा लगा मुझे, फ्रैंकली बोलता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ऑप्टिकल ग्लास बोला है 12x42, तो 12x जो मैग्निफिकेशन आपको मिलने वाला है, और 42 जो है इसका जो प्राइमरी जो लेंसेस है, ऑप्टिकल लेंसेस जो है उसका जो डायमीटर, दैट इज़ 42 है, सिंगल सिंगल 42। और फ्रंट में आप ग्रीन टिंट देख सकते हो, तो ये फुल्ली मल्टी कोटेड है। और पीछे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा उंगली उंगली लगा है, तो ये भी फुल्ली मल्टी कोटेड है। और इसका आई रिलीफ काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर आता है। और यहाँ पे आपको कुछ मार्किंग दिख रही है, तो राइट आई अडाप्टर यहाँ पे है। तो अगर आप चश्मे वाला सेटिंग करना चाहते हो, तो पहले तो आप लेफ्ट आई से ये जो है सेंटर इसको घुमा लेना, तो इसमें आपका फोकस जो है एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद राइट आई अडाप्टर ये घुमा के आपको आपका जो विजन है वो फाइन कर लेना है, सिंगल विजन दिखने तक, और इससे फिर फाइन फोकस करना है। तो
ये पूरा बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ा लगा मुझे, जो प्राइस मैं बताऊंगा इसका एंड में, और कुछ प्रोज कॉन्स भी है तो वो भी शेयर करूंगा इसके साथ। तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने यूज़ किया नाइट स्काई के लिए भी। तो हम लोग अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी हाइट पे आए हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग अभी ट्राइपॉड माउंट कर रहे हैं, और इसके साथ जो अटैचमेंट आया है एल शेप अटैचमेंट, तो ये हमको लगाना है पहले। तो कहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो ब्लैक स्क्रू है इसको हमको ओपन करना है, तो आपको घुमा के वो निकालना है पहले। तो ये स्क्रू यहाँ से निकल गया और ये अटैचमेंट हमको यहाँ पे लगाना है, तो ये हम लोग घुमा देंगे इसको। तो दे माय, तो यहाँ पे ये हो गया एल शेप फिट। तो यहाँ पे एक छोटा जो स्क्रू था वो निकाल के हमने इसको अनस्क्रू करके निकाल दिया, और यहाँ पे जो एल शेप अटैचमेंट भी आया तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी मैं बोलूँगा। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया एल शेप, और इसको हमको ट्राईपोड के ऊपर माउंट करने से पहले यहाँ पे ये जो ट्राईपोड का अटैचमेंट है यहाँ से हमको इसको ज्वाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो स्क्रूज दिए हैं, तो घुमा के हम लोग करते थे टाइट। तो अपना ये अटैचमेंट लग गया है, और इसको सीधा भी लगाएंगे ट्राईपॉड के। ये अपना जो बाइनोकुलर है भी रेडी है व्यूइंग के लिए, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट लगाना है तो हम लोग इसके ऊपर लगा के देख सकते हैं। इसके साथ और एक अटैचमेंट आया, वो भी मैं लगाऊंगा। तो इसके साथ ये जो मोबाइल अडाप्टर जो है, इसे मैंने मेरे मोबाइल को अटैच करके सामने जो कुछ चील बैठी है यहाँ पे, तो उसका व्यू दे दिया आपको। तो ये अटैचमेंट भी काफ़ी अच्छा है, एकदम प्रॉपरली एकदम स्नगली फिट हो गया इसके ऊपर, और फटाक से अलाइन भी हो गया। लगाना और इसको उतारना एकदम आसान है, एकदम अच्छा ये बाइनोकुल के साथ अटैचमेंट हमको मिला है, जस्ट ट्राईपॉड को लगाने के लिए, और इसके साथ में ये जो मोबाइल अडाप्टर जो है वो भी मेरे हिसाब से बाकी कोई भी जो अडाप्टर है उसमें भी ये फिट आ सकता है। तो जिनका भी जो नॉर्मल आई पीसेस जो होते हैं उसके ऊपर भी ये फिट बैठ सकता है मेरे हिसाब से। इसको मैं बाद में ट्राई करूँगा, बट इसके साथ एकदम ही मस्त अटैच हो गया। बहुत सारे मतलब आप वीडियोस ले सकते हो जूम करके कुछ चीज़ों के। अब मैं ट्राई करता हूँ इसे जूम करके देखने का, बट इसे जूम नहीं हो रही है, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त जूम मिल रहा है। मैं थोड़ा सा डिजिटल जूम कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे वीडियो कैप्चर करता हूँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहा है। अनएक्सपेक्टेड काफ़ी क्लियर है अगर बेसिकली बोलूँ तो, बजट वाइज प्राइस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये जो बाइनाकुलर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, केसन का जो ब्रांडिंग है, मतलब मैंने कभी नाम नहीं सुना था, जस्ट अमेजोन पे एक दिन देख के ऑर्डर कर दिया। तो इसका प्राइसिंग जो है मुझे मिला है 2800 रुपये के आसपास, और 2800 रुपये के अराउंड इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। इसका जो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बोलूँ तो काफ़ी क्लियर आउटपुट मुझे मिला है। इससे मैंने जो है वीडियोस वगैरह कैप्चर किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मल्टी कोटेड है, आई डोंट नो अबाउट द प्रिज्म मल्टी कोटेड है या नहीं, वो मुझे नहीं पता, बट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी प्रोज इसके है मैं बोलूँगा। फुल्ली मल्टी कोटेड आता है, इसका जूम भी काफ़ी अच्छा मुझे मिला। उसके अलावा मैंने इसके साथ जो ट्राईपॉड है तो वो नहीं यूज़ किया, मेरा ट्राईपॉड यूज़ करके मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किए और काफ़ी अच्छा आउटपुट रिजल्ट मिला 3000 के अंडर ये बाइनोकुलर से। लेकिन इसके प्रोज जो है, इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँगा प्राइसिंग में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, शार्पनेस अच्छा है। कॉन्स बोलूँगा तो मैंने हाई एंड जो मॉडल्स यूज़ किए, कॉन्स नहीं बोल सकता, थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो मॉडल्स यूज़ किए उनकी प्राइसिंग 10-15 हज़ार या 36,000 भी थी, तो
निकॉन का मोनार्क, उससे मैं कंपेयर नहीं कर सकता है इसको। तो इसमें जो है, आप जो पहली बात बोलूंगा कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो और सेकंड चीज इसमें फॉगिंग होने के चांसेस है, क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस होते हैं, ऑर्गन जो गैस होता है, इसमें फिल्ड नहीं है और ये ईडी नहीं है। तो डोंट एक्सपेक्ट आप वो लेवल का ऑब्जर्वेशन या व्यूविंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम शार्प वाला। इसके सराउंडिंग जो आपको एजेस दिखने वाले हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ब्लरीनेस नज़र आ सकता है। तो अदरवाइज ये बाइनाकुलर 3000 या 5000 के अंडर आपको लेना है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। आई डोंट नो आज कितना प्राइजिंग है, लेकिन मैंने इसको लेके अराउंड 2 महीने हो चुके हैं, तो बहुत दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। नाइट में भी मैंने बहुत सारे क्लस्टर्स वगैरह देखे हैं और डीप्स का ऑब्जेक्ट और नेबुलास वगैरह स्पॉटिंग किया है इसको लेके। तो अगर आपको चाहिए 5000 के अंडर कोई बाइनाकुलर लेना, या 3000 आपका बजट एकदम ही कम है तो आप इसके तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो मैं बोलूँगा ब्रिस्टर का जो मॉडल है कॉर्बेट या वेव सीरीज, उसकी तरफ आप जाओ। कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। पूरा जंगल में अभी हूँ तो जल्दी से घर पहुँचना है, अंधेरा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।